साहस सरोकार। 51 शक्ति पीठों में से एक है माँ ललिता देवी। यहाँ गिरी थी माँ की उंगलियां। दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं भक्त। रोजाना माता का होता है दिव्य श्रृंगार। विधि विधान के साथ होती है यहाँ देवी की पूजा अर्चना। पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि सिर्फ गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज में शक्ति की साधना के कई प्रमुख मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में माँ ललिता का मंदिर शक्ति के साधकों के लिए विशेष स्थान रखता है क्योंकि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। ये स्थान संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना तट के मीरापुर में स्थित है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ जहाँ पर सती के अंग के हिस्से उनके या आभूषण गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। बात करें तो यह पावन तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, उसी में से एक संगम नगरी प्रयागराज के मीरापुर यमुना तट स्थित माँ ललिता देवी का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सती की हस्त अंगुल गिरा था। वही ललिता देवी मंदिर पुजारी के अनुसार संगम स्नान के पश्चात माँ ललिता के दर्शन का विशेष महात्म्य है। माता के इस पावन शक्ति पीठ के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ का महात्म्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना का दिन है। ऐसे में शक्तिपीठों के दर्शन पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ की विशेष साधना के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना माता का दिव्य श्रृंगार भी किया जाता है। इलाहाबाद से आए हैं यहाँ माँ ललिता देवी के दर्शन करने और ये शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ पर दर्शन करने से नवरात्र के दिनों में माँ की कृपा होती है और सभी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। हम हर साल यहाँ पर आते हैं और बहुत ही मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और देवी माँ को और कोशिश करते हैं कि हमारी जो भूल हुई हो हमसे लाइफ में उसको हमें क्षमा मिलेगी। भक्ति के दर्शन मात्र से यहाँ भगवती के दर्शन मात्र से चारों प्रदार और मोक्ष तक प्राप्त होती है। ये मोक्षदायिनी भगवती है, ये भगवती परा अम्बा जो है ये मोक्षदायिनी है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों का मातृलिंग है। ये विशिष्ट स्थान है, देवी यहाँ पे यमुना के तट पे विराजमान है। सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना की जाती है और 7:30 बजे माँ की भव्य आरती की जाती है। माँ के पवित्र मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम सप्तचंडी का पाठ और पूजन किया जाता है। साथ ही हर माह अष्टमी तिथि को ललिता देवी का दर्शन पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण में शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इन सभी में एक बात जो सामान्य है वो ये है कि प्रयाग में ललिता शक्तिपीठ विशेष रूप से पूजनीय है, दर्शनीय है। पुराणों में और भी एक उल्लेख मिलता है कि जब लाक्षाग्रह से पांडव निकले तो प्रतिष्ठानपुरी से निकलने के बाद यहाँ पर आए और उनको पता चला कि यहाँ पर उन्होंने ललिता देवी का दर्शन पूजन किया। लोगों को किसी ने बताया कि इनका अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो पांडवों ने यहाँ पर बगल में ही एक कूप का निर्माण किया और उसी कूप से जल निकाल कर भगवती ललिता का अभिषेक किया, जिससे
उस समय जब इन्होंने अभिषेक किया तो वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, तभी से यहाँ पर अष्टमी वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ललिता देवी का मेला लगता है। कुमकुम से अर्चन करने और गुड़हल का फूल अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा दामाद भगवान शिव का अपमान न सह सकी तो उन्होंने नाराज होकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वो उनके शव को लेकर क्रोध में विचरण करने लगे। माता सती से भगवान शिव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया। चक्र से कटकर अलग होने पर जिन 51 स्थान पर सती के अंग गिरे वो पावन स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रयाग में सती की हस्तांगुलिका गिरी। प्रयागराज में माता महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में विराजित है माँ ललिता देवी। दरअसल मंदिर पुजारी शिवमूर्त मिश्र के अनुसार इसका ताल्लुक महाभारत काल से भी माना जाता है। लाक्षागृह के दौरान पांडवों ने यहाँ पर आकर एक कुएं का निर्माण किया था जिसे पांडुकूप भी कहा जाता है, जो आज चारों ओर से जालियों से ढक दिया गया है। साथ ही जो भी भक्त माता के दर्शन करने को आते हैं तो वो इस कुप का भी दर्शन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ की उपासना का दिन है। ऐसे में शक्तिपीठों के दर्शन पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माँ के विशेष साधना के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। ललिता देवी मंदिर के पुजारी शिवमूर्त मिश्र जी ने बताया कि जब पांडव लक्षागृह से बच के निकले थे तो वो इसी धाम में एक रात रुककर इसी जगह पर देवी ललिता की स्तुति की थी और एक कूप की स्थापना की थी, जो आज भी यहाँ पर पांडव कूप और मौजूद है, जिसके चारों ओर अब जालियाँ लगा दी गई हैं। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्त ललिता देवी के दर्शन के साथ साथ इस पांडव कूप का भी दर्शन करते हैं। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं।